देश में हरियाली की कमी है, फ्रेश एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। आप देखिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है हर जगह, फसल बराबर नहीं हो पाती और किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। नुसत झाडांची पूजा करून चालणार नाही, पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ता जाए। I'm very happy to see a lot of people who are interested in tree plantation. I've been doing tree plantation since around 10 years or so, but I've been not been getting so much of crowd. Biking community hardam easily famous hoti hai ki riding kar rahe, but as a citizen hamari ek responsibility hoti hai ki we should contribute to the society and for the social development. So wo cheez ke liye hum log we are gathered here, united here, like hum log plantation kare aur ek hum log earth ko green kar sake. ये जो प्लास्टिक बैग है इसको पहले प्रेस करना है ताकि इसकी मिट्टी निकले ना, यदि इसकी मिट्टी निकल गई रूट से तो पेड़ बराबर लगेंगे नहीं। मुबारक हो, पेड़ हुए हैं। जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में सबसे बड़ा जो इशू है वो इशू इन्वायरमेंटल इशू है, तो प्लांटेशन इसलिए ज़रूरी है कि आप देखिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है हर जगह, तो एक हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने एंड से जो भी कर सकते हैं हम करें। हम यहाँ आज प्लांटेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, सो अभिज्ञान फाउंडेशन और हेलो नागपुर वी आर कोलाबरेटेड फॉर ऑल प्लांटेशन इवेंट। अभिज्ञान फाउंडेशन ने ऑलरेडी लास्ट ईयर 16,000 प्लांट किए हैं, इस साल हमारा टारगेट है 17,000 प्लांट्स, और ऑलरेडी हम दो इवेंट कर चुके हैं, दिस इज आवर थर्ड इवेंट दिस ईयर। व्यक्तीला प्रत्येक मुलाला अगदी छोटा मुलगा का असेना चार वर्षाचा, अगदी तो दहा वर्षाचा का असेना, त्या प्रत्येकाला ही जाणीव झाली पाहिजे की झाड हे आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये ऑक्सिजन देतं, याच्यामध्ये स्त्रियांनी सुद्धा सहभागी व्हायला पाहिजे, नुसतं झाडांची पूजा करून चालणार नाही, तर प्रत्येक वटपौर्णिमेला एका स्त्रीने एका मुलीने झाड लावलं पाहिजे आणि त्याचं संवर्धन केलं पाहिजे, कारण ती आजच्या समाजाची काय आहे खूप मोठी गरज आहे। हमने बहुत सारे प्लांट्स लाए और प्लांट्स को एक रैप किया जाता है, ये रैप फेंका नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसको कलेक्ट करके डिस्पोज किया जा रहा है, सो दैट इकोलॉजी कैन बी मेंटेन एज वेल एज वी आर प्लांटिंग ट्रीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फ्यूचर। जो ग्लोबल वार्मिंग है तो उसके वजह से जो हमारा इन्वायरमेंट है वो बहुत हार्म हो रहा है, और इन फ्यूचर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी काफ़ी ज़रूरी है, तो इसलिए आज हमने एक इनिशिएटिव लिया है। एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन और ये आजकल आप देखेंगे बहुत तरह की बीमारियां फैल रही हैं बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, और आज जो पेड़ कट रहे हैं जगह जगह, उससे हमको क्या है प्रॉपर जो फ्रेश एनवायरनमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, और उस वजह से ये सब बीमारियां हो रही हैं। हम लोग यहाँ पे जो नेचर में
बदलाव आ रहे हैं। जो पहले ऐसे होता था कि एक मौसम फिक्स रहता था, बारिश आएगी चार महीने धूप रहेगी, चार महीने ठंडी रहेगी, पर अभी एकदम सीज़न बदल चुका है। कभी भी जब ज़रूरत होती है बारिश की तब बारिश नहीं आती, और आपने देखा होगा कि इसकी वजह से फसल बराबर नहीं हो पाती और किसान लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हर एक को कम से कम 10-10 झाड़ प्लांट करना चाहिए, बिकॉज हमको जो एयर और वो जो पोल्यूशन है जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उससे न्यूसेंस से बचने के लिए हम लोगों को एनवायरनमेंट को सेव करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है ऑफ वाटर एंड एनवायरनमेंट। सो वी हैव टू सेव द एनवायरनमेंट एंड सेव द अर्थ। जेव्हा आम्ही काम करत असतो तेव्हा काही लोकांना वाटते की हे पैशासाठी काम करतात, पण तुम्हा लोकांवरून असं दिसून येते म्हणजे आमच्या गावाल्यांना आज वाटत आहे की नाही, हे एक त्यागाचं आणि सेवेचं काम आहे आणि पर्यावरण जर वाचवायचं असेल तर झाडं लावणं आवश्यक आहे। माय कॉन्ट्रीब्युशन वॉज फ्रॉम द 700 आय मस्ट हैव प्लांटेड 10 ट्रीज बट आय एन्जॉयड इट। अब तक टोटल 700 के ऊपर ट्रीज का प्लांटेशन हो चुका है और तकरीबन 150-200 लोग थे, उनके साथ में मिलकर हमने ये प्लांटेशन का जो कार्यक्रम था, जो निर्णय लिया था कि यहाँ मोपा में आके हम प्लांटेशन करेंगे, वो भी तकरीबन पूरा होने जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे सब लोग अभी शुरू ही है कि प्लांटेशन की प्रोसेस किस तरह से की जा रही है।